नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक आपको सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो काफ़ी समय से रामचरितमानस का पाठ करें, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे आज्ञा ली कि भाई मैं इसको बोल सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने कहा बोल दीजिए लेकिन नाम मत लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम से करना भी क्या है। तो ऐसा हुआ कि वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और राम जी के विवाह का प्रसंग आता है, आने वाला होता है, तो उन्होंने उसके पहले अपना जो पाठ है वो बंद कर दिया और फिर दो एक दिन उन्होंने पाठ करा नहीं। फिर वो भूल गए कि अब कौन सा प्रसंग आने वाला है। फिर वो अगले दिन फिर बैठे अपना पाठ करने के लिए। तो जब वो पाठ करने बैठे, उनके मन में इच्छा हुई, क्यों ना आज मैं एक हवन कर लूँ। तो उनके पास एक छोटी सी वो है, लोहे वाली जो बंगाली लोग रखते हैं, जिसमें वो धुनी जला के और देवी जी को अर्पण करते हैं, अपना तपोबल, श्रद्धा, भक्ति, सब कुछ। तो उसके पास भी वो थी, तो उन्होंने क्या करा कि पता नहीं किस भाव से उनके मन में क्या आया कि चलो आज मैं हवन करता हूँ। तो जब उन्होंने हवन करना शुरू करा, फिर रामचरितमानस खोली तो देखा राम जी का विवाह होने वाला है। तो ये इतनी अद्भुत घटना उनको समझ में आई, क्योंकि जब राम जी का विवाह हो रहा होता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रामचरितमानस पढ़ रहा हो, हनुमान जी वहाँ होते हैं। राम जी का नाम भी कहीं ले रहे हैं तो हनुमान जी वहाँ होते हैं। तो वो व्यक्ति क्योंकि बेवकूफ़ है, उसको ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, वो अपना जो मन में आता है पागलपन करता रहता है और किसी से कुछ बोलता भी नहीं है, जनरली पागल है, मतलब वो दुनिया में रहने लायक इंसान नहीं है। लेकिन उसने मुझे बताया कि जब वो राम जी का विवाह होने वाला था, उस दिन उसने अपने घर में छोटा सा हवन करा, उसको पता भी नहीं था कि अब जो रामचरितमानस में प्रसंग आने वाला है उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि दो दिन पहले वो भूल गया था। तो मित्रों, ये भी महाराज जी ने करवाया, महाराज जी इतने खुश हुए होंगे, क्या बोल सकते हैं। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि मुझे तो किसी ने बताया, उन्होंने जैसा बता दिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि भाई मेरे बारे में मत बताना, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसा भी महाराज जी करते रहते हैं। रामचरितमानस महाराज जी को बहुत पसंद है, सुंदरकांड महाराज जी को बहुत पसंद है, हनुमान चालीसा महाराज जी को बहुत पसंद है। हमेशा हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, रामचरितमानस पढ़ते रहिए, दुनिया में कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आने पाएगी, सब खत्म हो जाएगी। लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, महाराज जी ने हमेशा यही कहा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ मित्रों, फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार मित्रों।